अभी ये फाटक बंद है, यहाँ आप जो मांगते हैं वो सब आपकी मुराद पूरी होती है। ये कौन रहेगी? हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम लोग निकल रहे हैं मेरठ सरदना के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं जहाँ से हमें बस मिलेगी। अच्छे गेट देख रहे हैं आप लोग, यहाँ की तरफ बस आएगी। हम लोग यहाँ से सब लोग बैठेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे मेरठ के लिए सरदना। देखो ये हमारे लब्बू भाई हैं, प्रिंस भाई। बस कितनी देर हो गई बस को अभी नहीं आया? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा हो चुका है जी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं जी? चलो चलो ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं हार्टमैन आश्रम। ये यहाँ पर अंदर हार्टमैन चर्च भी है सामने, इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चर्च है, हम लोग यहाँ पर आश्रम की तरफ खड़े हुए हैं। यहाँ बस आएगी, यहाँ सब लोग बैठेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग अंदर, काफ़ी लोग हैं जो कि बस का वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बस सामने आ रही है। काफ़ी देर के बाद हम बस का वेट कर रहे थे और ये बस आ चुकी है। आप देख सकते हैं इस बस में हम लोग जाएंगे सरदना, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस के अंदर नाम ले गए, एंट्री हो रही है। बस में हम लोग बैठ चुके हैं अब और सबको नाम लेके बुलाया जा रहा है और यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब थोड़ी देर में चलने वाली है बस, फिर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में बस चलेगी। ये बस चल रही है अब देखो, तो यहाँ से हम लोग बस जा रही है। ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पर। ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी हवा हाथी कर रहे हैं। सब यहाँ उतरे हैं डीजल बढ़ाने के लिए। गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है बस, अब डीजल बढ़ेगा। ये पीछे पेट्रोल पंप है, अभी हम बरेली में ही हैं फिलहाल। तो बस अभी चल रही है, एंजॉय करो। आ चुका है जिम का चौराया। हम लोग यहाँ आ चुके हैं ढाबे पे, यहाँ ढाबे के पास चंद्रा हाईवे टूरिस्ट ढाबा, ठीक है। हम यहाँ आ चुके हैं, हमारे साथ में यहाँ सामने मुकुल भाई हैं। तो यहाँ हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, देख सकते हैं हाईवे है, दिल्ली हाईवे। चाय के लिए बातचीत चल रही है, तभी यहाँ पर चाय मिल रही है। चाय पीते हम लोग, फिर उसके बाद मिलते हैं, फिर अपनी बस में चढ़ी है। हमारी बस चल दी है ढाबे से। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं सरदना। हमारी बस यहाँ रुकी हुई है, अब हम लोग जा रहे हैं आगे के लिए। अब हम आपको आगे का दिखाएंगे। सब लोग यहाँ खड़े हैं, काफ़ी सारी बस यहाँ पर आई हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं, देख सकते हैं। सुबह का 6 बज रहा है, क्या फीलिंग है आपकी? बहुत ठंडा है यहाँ पे। ठंडा तो बहुत हो रहा वाकई में। प्रिंस भाई क्या फीलिंग है, कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पर आके? एकदम बढ़िया। अच्छा ओके, ये देखिए सब लोग जा रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप यहाँ नगीना बज रहा है, सुन सकते हैं। यहाँ नगीना भी बज रहा है, भैया नगीना बजा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना जगमग है यहाँ पर, पूरा मार्केट जैसा लगा हुआ, पूरा मेला लगा हुआ है। हम आगे की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराएंगे। सामने देखिए व्यू, देखिए सामने का व्यू।
देखिए मेन गेट आने वाला है, जहाँ से एंटर करते हैं मेन गेट आने वाला है। हम इतने बड़े संख्या में जो है आज कोविड महामारी के कारण बहुत लंबी लाइन है। हमें ये सामने चर्च है जहाँ पर आए, यहाँ देख सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन है, कितनी लंबी भीड़ है, सभी सब लाइन में लगेंगे, हम लोग भी जा रहे हैं। वो लोग काम में सभी तो ये चर्च जो एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, अभी इसके अंदर हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आपको लाइन में लग के कैसा लग रहा है? अच्छा, सभी लोग लाइन में लग चुके हैं, देखिए पीछे कितनी भीड़ है। और मैं विश्वास करता हूँ ये सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, चुके हैं, अब लाइन चल रही है, सब लोग लाइन से चलेंगे, फिर लाइन से चल के हम लोग चर्च में जाएंगे, आगे की सारी चीजें दिखाऊंगा। अभी हम लोग लाइन में चल रहे हैं, देख लीजिए। और एमपी कितनी लंबी लाइन है, अभी भी बाहर से लोग आ रहे हैं, पीछे सामने देख सकते हैं आप लोग आ रहे हैं, अभी ये लोग लाइन में लगेंगे। देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ हो रही है, दुनिया भर के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये कौन रहे हैं? गाइस देख सकते हैं चर्च की खूबसूरती, कितना प्यारा चर्च है ये, कितना खूबसूरत है। अब लोग मेन गेट की तरफ आ गए हैं, ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर घुसेंगे। देखिए गाइस हम लोग मेन गेट पे आ गए हैं, अंदर हम लोग जाने वाले हैं, थोड़ी देर में अंदर जाते हैं मेन गेट। ये सब देखिए यहाँ पर चलते रहिए, अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये ऐतिहासिक चर्च है, इसलिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं। लोग अंदर आ चुके हैं, फादर सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं, यहाँ आप जो मांगते हैं वो सब आपकी मुराद पूरी होती है, यह कहते हैं। संविधान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कृपाओं का दिन है, आशीषों का दिन है, बरकतों का दिन है, जिसे जितना चाहिए वो यहां से ले जाए, बस शर्त यह है कि हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। यदि हमारे अंदर विश्वास है कि हम अपनी माँ के चरणों में आए हैं, तो अवश्य माता मरियम उस विश्वास को झुकने नहीं देगी, वो आप सबको आपकी मन्नतों को जो आप लेकर आए हैं उन्हें अवश्य पूरा करेगी। यदि विश्वास हमारे पास है तो आज का इस बलिदान आपके लिए सफल है। यदि आप सिर्फ एक घूमने के मकसद से आए हैं तो शायद आपको कृपाओं की माता की तरफ से बरकत ना मिल पाए, लेकिन भक्ति भरे मन से, श्रद्धा भरे मन से, पूरी मन्नतों के साथ, पूरे विश्वास के साथ यदि हम माता मरियम के पास आए हैं तो अवश्य हमें वो सब कुछ मिलेगा जो आज हम उनसे मांगना चाहते हैं। गाइस ये पवित्र जल की लाइन खड़ी लगी हुई है, चमत्कारी जल कहते हैं, पवित्र जल कहते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ भीड़ है, लाइन लगी हुई है। देख सकते हैं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, पानी को ले जा रहे हैं, पवित्र जल है ये, और इसमें ये है कि इसका पता नहीं ये पानी
कहाँ से आ रहा है, ये पानी जो आ रहा है पता नहीं कहाँ से आ रहा है, और हमेशा आता रहता है। गाइस देख सकते हैं इस चर्च का बना है, इसमें सब लिखा हुआ है। गाइस अभी भी देख सकते हैं अभी भी यहाँ कितनी भीड़ है। हे गाइस देखिए लोग दर्शन करके जा रहे हैं और यहाँ से बाहर को निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कितनी बड़ी लाइन लग चुकी है दर्शन करने के लिए। अभी बाहर भी बहुत लोग हैं जो आने को हैं। गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, दर्शन सारे हो गए हैं पूरे, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से दर्शन। हमें यहाँ पर सर्दना के बाहर ही मिले, बहुत अच्छा गा रहे हैं। अभी गाइस हम लोग चर्च के दर्शन करके निकल चुके हैं, हम लोग वापस अपनी बस की तरफ आए हैं। अभी आधे लोग और आने, एक बजे हमारी बस यहाँ चलेगी, हम लोग वापस जाएंगे। यहाँ पर सबकी बस खड़ी हुई है, हमारी बस खड़ी हुई है यहाँ पर, काफ़ी लोग सब लोग अब दर्शन करके सब जा रहे हैं।